फतेहाबाद रोड स्थित जेपी पैलेस होटल में दो दिवसीय भारतीय मनोरोग सोसाइटी का मध्यवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों में मनोरोग के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दो दिवसीय सेमिनार में देश भर के मनोचिकित्सकों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और अपने अनुभव भी साझा किए। शनिवार को फतेहाबाद रोड स्थित होटल में इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी की दो दिवसीय कार्यशाला शनिवार को शुरू हुई। पहले दिन वक्ताओं ने देश भर में लगातार बढ़ रहे मनोविकार पर चिंता जताई। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी और मोबाइल लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल इस बीमारी का मुख्य कारण बनता जा रहा है। लोगों का नींद का चक्र गड़बड़ हो रहा है, जिस कारण मानसिक रोगियों में बच्चों, किशोरों और युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उनके हार्मोन्स भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर हम आज आगरा में एकत्रित हुए हैं, करीबन 400 के आसपास पूरे देश के मानसोपचार तज्ञ। हम चाहते हैं कि मानसिक आरोग्य के प्रति चेतना बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर दैट। और आज के इस युग में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व शारीरिक स्वास्थ्य से भी बढ़ गया है। देर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ और साउंड बॉडी इन ए साउंड माइंड ओनली। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी ने कहा कि स्लीप वेक साइकिल डिसऑर्डर की मरीज बढ़ रहे हैं। बेवजह देर से सोना और देर से जागने की लत लग रही है, जिस कारण ये बीमारी तेज रफ्तार से स्वस्थ व्यक्तियों को भी अपनी चपेट में ले रही है। समाज में कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मन को व्यथित करती हैं। जरूरी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए। आप सभी से भी अनुरोध है कि अपने मानसिक आरोग्य का बहुत बहुत ध्यान रखें। मानसिक आरोग्य आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हम सबके शरीर में एक मन है और उसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मिड टर्म सेम ही होता है, मेडिकल एजुकेशन में अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स रहता है। जैसे इस बार कंसल्टेशन लैसनिंग साइकेट्री पे है, तो इंडिया के सारे विशेषज्ञ जो होते हैं साइकेट्री के आते हैं और लॉट ऑफ पीपल जो लर्न, तो ये स्किल अपग्रेडेशन होता है, एकेडमिक एक्सरसाइज होता है, ये प्योरली एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। डॉक्टर जेपी नारायण और डॉक्टर अमृत पट्टो जोशी ने बताया कि ऑनलाइन कक्षा और वर्क के नाम पर बच्चे देर तक मोबाइल लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, उनमें चिड़चिड़ापन सुस्ती मिल रही है। जैसे पहला टॉपिक था लीडरशिप पे, कंसल्टेशन लिस्टिंग सेक्रेटरी पे केस डिस्कशंस होगा, बहुत विभिन्न विभिन्न टॉपिक पे है और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक चुन चुन के चूज किया गया है। कार्यशाला अध्यक्ष डॉक्टर सागर लवानिया ने बताया कि मरीज काउंसलिंग दवाओं से ठीक हो रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि लोग अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। समस्या सामने आने पर मनोचिकित्सक के पास जाने से ना डरें। ये आगरा में जो इवेंट हुआ था आज से 12 साल पहले 2012 में हुआ था, अब ये 12 साल बाद हो रहा है और ये हर साल होने वाला इवेंट है और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बिड करके इसको यहाँ पे लेके आए हैं। हम लोग हमेशा से इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को आगरा में लाना चाहते हैं। आगरा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हम चाहते हैं लोग आगरा को केवल ताजमहल और लाल किला की वजह से ही नहीं जाने, बल्कि इस वजह से भी जाने कि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती हैं। इवेंट एक्चुअली हमारा अपना एग्जिबिट करने का भी हमें चांस मिलता है। वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सागर लवानिया फॉर गिविंग अस द चांस टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल्सो इक्वली वी आर thankful to our IPS all delegate IPS respected members. So I'm Ramya, I'm the founder of Marbles Health. We are building India's first portable brain stimulation device for safer and more effective depression treatment and management. इसका फंक्शन ये है कि अगर किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन सिम्टम्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, कोई भी ब्रेन हेल्थ कंडीशन हो तो 80% ऑफ देम हैव डिप्रेशन सिम्टम, तो उन सब के लिए मेडिकेशन इज द ओनली अल्टरनेटिव टुडे। लेकिन मेडिकेशन को बहुत टाइम लेना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इसीलिए हमने एक स्टिमुलेशन डिवाइस इन्वेंट करा है जो किसी को भी हम दे सकते हैं एंड इट्स मच मोर सेफर टू यूज। इस दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान मुख्य वक्ताओं और विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विचारों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर डॉक्टर पी के दलाल, डॉक्टर इंदिरा शर्मा, डॉक्टर सविता मल्होत्रा, डॉक्टर TSS राव, डॉक्टर अलका सुब्रमण्यम, डॉक्टर अमृत पट्ट जोशी, डॉक्टर राजीव सेन आदि मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।